दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के बेल बाउंड पर उन्हें जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई कि कविता को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें ये भी कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश ना की जाए। के कविता को ऐसे समय पर जमानत मिली है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी 18 महीने के बाद इसी महीने कैद से आजाद कर दिया था। जस्टिस पीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने के कविता को जमानत देते हुए ये भी साफ किया कि मेरिट पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जाए ताकि ट्रायल पर कोई भी असर ना हो। के कविता करीब 5 महीने से जेल में बंद थी। ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह के कविता की भूमिका भी कथित शराब घोटाले में अहम बताई है। जांच एजेंसियों ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बीआरएस नेता के कविता ने मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया और उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ की। वहीं के कविता ने कहा कि मोबाइल फोन फॉर्मेट करने के आरोप फर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा कि क्या सबूत है कि बीआरएस नेता के कविता अपराध में शामिल थी। कविता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतागी ने ये कहते हुए जमानत देने का अनुरोध किया कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ दोनों एजेंसियों की जाँच पूरी हो गई है। उन्होंने दोनों मामलों में ये आरोपी और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को हवाला दिया। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।